बेसिकली हमने बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था यहाँ पर। तो क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि बैक्टीरिया में बेटा दो टाइप्स आप लोगों के पास आती है, एक तो देखो यू बैक्टीरिया आता है, एक आर के बैक्टीरिया आता है। ठीक है, आर के बैक्टीरिया आप ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पूरा कर चुके हो, तीन टाइप्स मैंने आपको बताई थी, जिसमें कि एक आपके पास आता है मेथेनोजेंस, एक आपके पास आते हैं थर्मो एसिडोफिल्स और एक आपके पास आते हैं हेलोफाइल्स। क्लियर, तो ये तीनों टाइप्स का मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप डिस्कस कर चुके हो। मेथेनोजेंस जो है वो मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, थर्मो एसिडोफाइल्स जो है दे आर दोज बैक्टीरिया जो आपको मिलते हैं उन जगहों पे जहां टेम्परेचर बहुत हाई है और जहां एसिडिक कंडीशन है। फिर उसके बाद हेलोफाइल्स आते हैं, हेलोफाइल्स को बेसिकली बोला जाता है सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया। क्लियर, अब इसके बाद बेटा सेकेंड टाइप हमने स्टार्ट करनी है क्लासिफिकेशन में, और इसको जरा ध्यान से समझ लो और सुन लो। सेकेंड टाइप में बेसिकली आपने यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। यू बैक्टीरिया का मतलब होता है जो नए बैक्टीरिया है, मॉडर्न बैक्टीरिया है। क्लियर, और इसमें मैंने आपको तीन चार एग्जाम्पल्स लिखवाई थी, तो उनमें से कुछ एग्जाम्पल थोड़ी सी हमने डिटेल में पढ़नी है बिकॉज वो एनसीईआरटी में भी गिवन है। तो सबसे पहली जो टाइप यहाँ पर बेसिकली आप लोगों ने पढ़ना है, दैट इज अ माइकोप्लाज्मा। क्लियर, अब माइकोप्लाज्मा की बेटा अगर बात करी जाए तो देखो सबसे पहले माइकोप्लाज्मा का एक और कॉमन नेम है, ध्यान से समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट कॉमन नेम इज नोन एज द पीपीएलओ। क्लियर, अब पीपीएलओ का जो फुल फॉर्म है यहाँ पर, दैट इज प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसलिए बोला जाता है बिकॉज दीज ऑर्गेनिज्म दे एक्चुअली कॉसेस द निमोनिया इन केस ऑफ कैटल्स और एनिमल्स। So these are commonly known as the pleuropneumonia-like organism, or in short, you can say the PPLO. Now, when you look at the diagram of the mycoplasma, beta diagram में अगर आप देखो तो सबसे बाहर की तरफ जो covering आपके पास है, that covering is commonly known as the cell membrane. Clear? अब अगर आप diagram को ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको cell wall जो है वो completely absent है. Cell wall is not present in case of mycoplasma. सिर्फ एक सिंगल लेयर है विच इज नोन एज द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर अबंडेंट अमाउंट में क्या प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म, और उस साइटोप्लाज्म में अबंडेंट नंबर में क्या प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम। विच टाइप ऑफ द राइबोसोम्स आर देयर, 70s। देन जेनेटिक मटीरियल डीएनए है, बट इट इज नॉट कवर्ड बाय एनी काइंड ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ऐसे मटीरियल को हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोइड। क्लियर, और इसी न्यूक्लियोइड यानी कि डीएनए के अराउंड लास्ट में जो उसका एंड है वहां पर एक डिस्क आपको नजर आती है, दैट इज कॉमनली नोन एज रेप्लिकेटिंग डिस्क। कौन सी डिस्क आपके पास, रेप्लिकेटिंग डिस्क। तो अगर आप माइकोप्लाज्मा का सेलुलर स्ट्रक्चर देखो तो वो एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल से थोड़ा सा डिफरेंट आपको नजर आता है, तो ये चीजें रखनी है आपने ध्यान में। अब आ जाते हैं बेटा फीचर्स के ऊपर, तो फीचर में सबसे पहला देखा जाए तो दीज आर द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ऑब्वियसली बेटा सेल वॉल नहीं है तो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे एक तरीके से, कलर कुछ भी रिटेन नहीं हो पाता है, सो दीज आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। किसने डिस्कवर किया था, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एमसीक्यूज में। सो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय द टू साइंटिस्ट, दैट इज नॉकर्ड एंड रॉक्स। और इन दोनों ने इसको कहां पर डिस्कवर किया था, it was actually discovered in the pleural fluid of the cattles who are suffering from the pleuropneumonia disease. Jin cattles ko pleuropneumonia disease tha, unki body mein se pleural fluid nikala gaya. Ab ek bari dhyan se samajh lo beta, pleural fluid aap bolte kisko ho, aapke paas lungs hain, theek hai, two lungs hain, one pair hai, to just aap diagrammatically yahan pe samjho, ये सोच करो हमारे पास एक लंग है, सिंगल वन लंग। क्लियर, इस लंग के अराउंड दो कवरिंग प्रेजेंट है, दो लेयर प्रेजेंट है। ये सभी में ऐसे ही होता है, बाहर वाली लेयर इज नोन एज पेराइटल प्यूरा, अंदर वाली लेयर को नाम दिया जाता है विसरल प्यूरा। ठीक है, लंग्स में दो लेयर्स होती है बेटा, बाहर वाली लेयर को पेराइटल प्यूरा बोलते हैं, अंदर वाली लेयर को विसरल प्लूरा बोलते हैं। इतना तो क्लियर है। अब इन दोनों लेयर के बीच में ये स्पेस नजर आ रहा है आपको, जगह जो कैविटी खाली है, इस कैविटी में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उस लिक्विड को क्या नाम दिया जाता है, प्लूरल फ्लूड। क्या बोला जाता है उस लिक्विड को, प्लूरल फ्लूड। और इसी लिक्विड में पॉजिटिव एजेंट प्रेजेंट था,
व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉजिटिव एजेंट? माइकोप्लाज्मा. और इसी की वजह से कैटल्स को हुई थी डिजीज. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजीज? यूरोनिमोनिया. तो नॉकर्ड एंड रॉक्स ने जब कैटल्स का, जो बीमार कैटल्स थी, उनका प्लूरल फ्लूड निकाला और उसको स्टडी किया, तो उनको पता लगा कि उसमें पॉजिटिव एजेंट है जिसकी वजह से दे आर सफरिंग फ्रॉम प्लूरोनिमोनिया. तो उन्होंने उसको एक नाम दे दिया PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कौन सी डिजीज कॉज करेगा? प्लूरोनिमोनिया. और बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम उसको क्या दिया गया? माइकोप्लाज्मा. क्लियर? उसके बाद बेटा जो माइकोप्लाज्मा है, इनको कॉमनली मॉलिक्यूल्स भी बोला जाता है. अब मॉलिक्यूल इनको क्यों बोला जाता है? बिकॉज इनकी बॉडी के ऊपर जो सेल वॉल है, दैट इज टोटली एब्सेंट. तो सेल वॉल ना होने की वजह से जो इनका सरफेस है वो काफी स्मूथ अपीयर होता है, सॉफ्ट अपीयर होता है. दैट इज व्हाई दे हैव बीन गिवन अनदर नेम, दैट इज नोन एज द मॉलिक्यूल्स. अनदर फीचर बताते हैं कि जो माइकोप्लाज्मा है, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल. अगर आपको याद हो बेटा, तो जब मैंने चैप्टर आपको स्टार्ट करवाया था, तो बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपको साइज ऑफ बैक्टीरिया की दो एग्जाम्पल याद करनी है. एक वो बैक्टीरिया है जो स्मॉलेस्ट साइज के हैं बट विद सेल वॉल, और एक वो बैक्टीरिया है जो स्मॉलेस्ट साइज के हैं बट विदाउट सेल वॉल. अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ये स्टार्टिंग में आपको, तो उसमें एक एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़ा था, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल, जिसका एग्जाम्पल हमने लिखा था माइकोप्लाज्मा. तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल बोला जाता है इसको, क्योंकि सबसे छोटा साइज है इसका. और यू कैन से इट इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, बट रिमेम्बर विदाउट सेल वॉल. किसकी एब्सेंस होगी यहाँ पर? सेल वॉल की. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और साथ ही साथ बेटा हमने लिखा है प्लियोमॉर्फिक. अब प्लियोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? प्लियो का मतलब होता है चेंज. मॉर्फिक वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द मॉर्फोलॉजी, आपका शेप, आपका साइज. तो ऑर्गेनिज्म जो है बार बार अपना शेप चेंज कर सकता है, तो इसी वजह से उसको एक टर्म दिया जाता है, प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म. क्लियर? रेस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो बेटा ये एरोबिक है. एरोबिक का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट दे कैन ऑल्सो सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इन जनरल माइकोप्लाज्मा कैसे है? एरोबिक है, लेकिन वो विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब वो ऑब्लिगेट नेचर के नहीं है. क्लियर? अनदर पॉइंट इज दैट कि माइकोप्लाज्मा में बेटा सेल वॉल क्या है? टोटली एब्सेंट है. तो आप देखो कि अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर जनरली आपको क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स देते हैं. एंटीबायोटिक में कॉमन एग्जाम्पल मैं पेनिसिलिन का पहले ही बता चुकी हूँ कि पेनिसिलिन को बहुत कॉमनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज किया जाता है ह्यूमन पॉपुलेशन में. क्लियर? अब ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है बेटा जिसके ऊपर पेनिसिलिन का कोई भी इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा. अब क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि इफेक्ट क्यों नहीं होगा? बेसिकली जो पेनिसिलिन है बेटा वो आपकी जनरली इफेक्ट करती है सेल वॉल को. पेनिसिलिन एंटीबायोटिक कभी भी अगर यूज की जाती है तो उसका टारगेट होता है कि उसने जाके अटैक करना है सेल वॉल के ऊपर, और सेल वॉल में पर्टिकुलर किस चीज के ऊपर? पेप्टिडोग्लाइकन के ऊपर. क्लियर? तो उस वजह से सेल वॉल क्या हो जाती है? डिस्ट्रक्ट हो जाती है और पूरे ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है. दैट्स इट. अब इसके पास तो बेटा सेल वॉल है ही नहीं, तो अगर आप इसके अगेंस्ट पेनिसिलिन यूज करोगे तो ये इफेक्ट तो ऑब्वियसली नहीं करेगा. क्लियर? बट दैट डजंट मीन कि आप इसको किल नहीं कर सकते या आप इसके इन्फेक्शन को रोक नहीं सकते. वी कैन यूज सम अदर एंटीबायोटिक. हम कुछ और एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं. उन एंटीबायोटिक का टारगेट सेल वॉल नहीं होता, उनका टारगेट होता है डीएनए या फिर इनका राइबोसोम, जिससे इनका मेटाबॉलिज्म पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है एंड अल्टीमेटली इट कॉजेस द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो जो दूसरी एंटीबायोटिक आप यहाँ पर यूज कर सकते हो बेटा, उसमें एक एग्जाम्पल आपके पास है स्ट्रेप्टोमाइसिन और एक आपके पास एग्जाम्पल है टेट्रासाइक्लिन. ज्यादा नहीं भी याद होगा तो एटलीस्ट आप स्ट्रेप्टोमाइसिन जरूर याद कर लेना, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है. क्लियर? न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बेटा न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू में जो माइकोप्लाज्मा है, दे आर बेसिकली पैरासिटिक इन नेचर.
अब पैरासिटिक बोला तो डेफिनेटली होस्ट के ऊपर डिपेंड होंगे पूरे तरीके से, होस्ट की बॉडी को डिजीज कॉज करेंगे और इनको बेनिफिट होगा, मतलब दे कॉजेस लार्ज नंबर ऑफ डिजीज इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी वजह से आप इनको पैथोजन भी बोल सकते हो। पैथोजन का मतलब क्या होता है बेटा, जो डिजीज कॉज करता है, वेरी क्लियर, ठीक है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, जितनी मैंने लिखी है इतनी तो कम से कम आपको याद करनी है। एक तो देखो कॉमन है प्लूरो निमोनिया, जो लंग्स का डिसऑर्डर है जो ये एनिमल्स में कॉज करते हैं। फिर आता है बेटा यूरिथ्राइटिस। अब यूरिथ्राइटिस वर्ड देखो कहाँ से आता है, यूरिथ्राइटिस वर्ड इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम यूरिथ्रा। आपको पता है ना आपकी बॉडी में यूरिथ्रा कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, इट इज द पार्ट विच एक्चुअली कैरी द यूरिन, समझ रहे हो। तो यूरिथ्राइटिस में जो वर्ड है आइटिस, जो लास्ट में लिखा है बेटा आइटिस, आइटिस का मतलब होता है स्वेलिंग, आइटिस का मतलब होता है इंफ्लेमेशन। जैसे आपको कोई इंसेक्ट बाइट कर गया, आपको कोई चोट लग गई, तो वहां पर से अगर ब्लड नहीं निकला तो उतना एरिया रेड हो जाता है, स्वेल कर जाता है, उसमें पेन होता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड इंफ्लेमेशन। तो सेम काइंड ऑफ इंफ्लेमेशन हमें देखने को मिलती है यूरिथ्रा में। तो डिजीज को यहाँ पर क्या नाम दिया जाता है, यूरिथ्राइटिस। अब इससे देखो बहुत सी चीजें हो सकती हैं। यूरिन डिस्चार्ज करते टाइम पे पर्सन को पेन फील हो सकता है और इस वजह से उसकी बॉडी में यूरिन इंफेक्शन भी हो सकता है। सो ये देखने को मिलता है हमें यूरिथ्राइटिस में, दैट इज द इंफ्लेमेशन ऑफ यूरिथ्रा, क्लियर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट डिसऑर्डर आता है लिटिल लीफ डिजीज इन ब्रिंजल। देखो नाम से क्लियर है, पहली बात तो ब्रिंजल प्लांट में है और उनके पत्ते नॉर्मल से बहुत ही छोटे साइज के हो जाते हैं, जिस वजह से प्लांट की प्रोडक्टिविटी पे अफेक्ट पड़ता है। तो डिजीज को क्या बोला जाता है, लिटिल लीफ डिजीज इन ब्रिंजल। फिर एक आपके पास आता है बेटा विचेस ग्रोम इन प्लांट। अब देखो विचेस ग्रोम में क्या होता है, सपोज करो ये आपके पास एक प्लांट है, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल प्लांट में बड़े सारे ऐसे पत्ते लगे हुए हैं, पूरा ऐसे बुशी प्लांट है, ठीक है, बड़े सारे पत्ते लगे हुए हैं। अब क्या हुआ कि इसके सारे पत्ते एक ही टाइम पे झड़ गए। अब झड़ने वाले सीजन में तो चलो जब पतझड़ आती है तो पत्ते वैसे भी झड़ते हैं, बट अगर बिना सीजन के नॉर्मल विंटर सीजन या किसी और सीजन में भी पत्ते झड़ेंगे तो व्हाट विल हैपन, आपका जो प्लांट है बेटा ये तो खाली ऐसा दिखेगा ना आपको, खाली डंडियां डंडियां नजर आएंगी। हॉरर मूवी देखी है आप लोगों ने, हॉरर मूवीज में एक पेड़ दिखाते हैं खाली डंडियों वाला पेड़, उसकी स्टेम ही स्टेम दिखती होती है, पत्ता एक नहीं होता उसके ऊपर, ठीक है, दैट इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल। तो वैसा अगर आपको दिखता है तो उसको विचेस ग्रोम बोला जाता है, जिसके ऊपर एक भी पत्ता नहीं है, सिर्फ ब्रांचेस और स्टेम वही आपको दिखता है। तो दैट काइंड ऑफ द डिसऑर्डर इज कॉल्ड विचेस ग्रोम इन केस ऑफ प्लांट, क्लियर बेटा। लास्ट पॉइंट है कि अगर माइकोप्लाज्मा ने डिवाइड करना है, रिप्रोड्यूस करना है, तो एसेक्सुअली करेगा और किसके थ्रू करेगा, फीजन। फीजन तो आपको पता है ना कौन सी होती है, बाइनरी फीजन, एक बैक्टीरिया टूटा दो डॉटर्स, क्लियर। और अब आप देखो नॉर्मली जब आप बेटा बैक्टीरिया में बाइनरी फीजन पढ़ते हो तो वहां पर मैंने एक चीज आपको बताई थी कि बैक्टीरिया में जो मीजोजोम है वो बाइनरी फीजन में हेल्प करता है, क्योंकि पहले वो डीएनए को तोड़ेगा फिर वो पूरे सेल को तोड़ेगा, ठीक है। अब इस पूरे डायग्राम में कहीं पर भी आपको मीजोसोम नजर आ रहा है, ऑब्वियसली नहीं है मीजोसोम आपके पास। तो मीजोसोम अगर नहीं है तो फिर ये टूटेंगे कैसे, कैसे ये अपना डीएनए तोड़ेंगे और कैसे इनका ये पूरा सेल टूटेगा। देन इट इज डन विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर विच इज नोन एज रेप्लिकेटिंग डिस्क। आई थिंक डायग्राम में आपको बहुत क्लियर रेप्लिकेटिंग डिस्क दिख रहा होगा, जो डीएनए के एक एंड पे नजर आ रहा है, नाम ही इसका रेप्लिकेटिंग डिस्क है। क्यों? बिकॉज इट हेल्प इन द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ताकि डीएनए दो कॉपी में डिवाइड हो जाए और उसके बाद आपका बैक्टीरियल सेल टूट के बनाता है दो डॉटर ऑर्गेनिज्म। सो दीज आर द बेसिक फीचर ऑफ द माइकोप्लाज्मा, दैट इज द डायग्राम ऑफ द माइकोप्लाज्मा। और ये जो बीच में मैंने बनाया था बेटा, ये बेसिकली मैं ये बता रही थी कि जो आप में लंग्स होते हैं, लंग्स के अराउंड दो मेम्ब्रेन होती है, बाहर वाली पेराइटल प्यूरा, अंदर वाली विसरल प्यूरा, दोनों के बीच में जो ये स्पेस आपको नजर आता है ना,
इस स्पेस को बेसिकली यहाँ पर बोला जाता है प्लूरल फ्लूइड। तो जब कैटल को इसका इंफेक्शन होगा, जब ये कैटल की बॉडी को अफेक्ट करेंगे, तो ये हैवी अमाउंट में हमें कहाँ मिलेंगे? कैटल के प्लूरल फ्लूइड में, जिससे उनको होंगे लंग्स डिसऑर्डर, दैट इज कॉल्ड प्लूरोनिमोनिया। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा सबको? हो गया तो थम्स अप डाल दो बेटा स्क्रीन के ऊपर और फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक मैंने सारी टर्म्स बहुत क्लियरली तोड़ तोड़ के आपको कंप्लीट कर दी हैं। अगर फिर भी आपको किसी टर्म में डाउट है तो आप चैट बॉक्स में डाल दो, मैं लास्ट में एक बार ही चेक करूंगी करके बेटा। चलो आई थिंक हो गया होगा सबका, मैं इरेज कर देती हूँ बेटा इसे। अच्छा अभी देखो नेक्स्ट जो माइकोप्लाज्मा के बाद सेकंड कैटेगरी हम लोगों ने करनी है, दैट इज नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? BGA। और BGA के बाद इसका दूसरा नाम क्या है? साइनोबैक्टीरिया। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, जिसके ऊपर पूछे जाते हैं बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले बेटा बात कर लेते हैं जरा ब्लू ग्रीन एल्गी की, विच इज BGA और साइनोबैक्टीरिया। एक तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने क्या ध्यान में रखना है कि जो BGA है दैट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव है तो समझ जाओ इनको ग्राम नेगेटिव क्यों बोला जाता है, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इनको बोला जाता है फर्स्ट ऑर्गेनिज्म हु एक्चुअली कैरिड आउट द फोटोसिंथेसिस। They were the first organism who carried out the photosynthesis. और कैसी photosynthesis करेंगे? Oxygenic photosynthesis. Clear? Now this is very 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 important point. I'm telling you, इसके ऊपर बहुत बार multiple choice question पूछे गए हैं। Approximately बेटा इनका origin हुआ था 3 billion years ago. क्लियर? जब आपकी अर्थ बनी थी आज से 4.5 बिलियन साल पहले, तब आपकी अर्थ पे ऑक्सीजन नहीं था, देयर वाज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद बहुत सारे बैक्टीरिया आए अर्थ के ऊपर, ऑक्सीजन ना होने की वजह से उनको एनएरोबिक बोला गया। नाउ दे वर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, दे वर द फर्स्ट बैक्टीरिया हु एक्चुअली produce the oxygen, and that is why I have written they have carried out the oxygenic photosynthesis, because इन्होंने first time क्या produce करी थी? They first time produced the oxygen gas in the atmosphere, जिसके बाद से earth का environment हो गया aerobic और तभी जाके दूसरे organism earth पे invade हुए। Now this is very very important. Blue green algae are gram negative. They were the first organism who carried out oxygenic photosynthesis. Now what is oxygenic photosynthesis? They use the carbon dioxide as a substrate for making the food, and they used the water as an electron donor. अब normally bacteria क्या use करते हैं? नॉर्मली बैक्टीरिया यूज करते हैं ये क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड, याद है ना आपको। लेकिन ये क्या यूज करेंगे? पानी, वाटर, और फिर उससे बनेगा ऑर्गेनिक फूड, एंड प्लस यहाँ पर इवोल्यूशन होगा ऑक्सीजन गैस का। दिस ऑक्सीजन इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम वेयर? वाटर। ये 10th क्लास में पढ़ा भी होगा आप लोगों ने बेटा, क्लियर। ओरिजिन कितने साल पहले हुआ? 3 billion years ago. And they were the first organism who produced the oxygen gas. इतना clear हो गया? ठीक है। अब उसके बाद बेटा next इसमें बात की जाती है इनके habitat की, मतलब blue green algae generally आपको मिलती कहाँ पर है? तो ज्यादातर जो members आपके पास हैं वो आपको मिलते हैं fresh water में,
अब फ्रेश वाटर का मतलब समझे, फ्रेश वाटर का मतलब पॉन्ड, लेक, रिवर एक्सेट्रा। तो ज्यादातर मेंबर कहाँ मिलते हैं? फ्रेश वाटर में। कुछ मेंबर आपके पास होते हैं मेरीन्स और कुछ हमें मिलते हैं हॉट सल्फर स्प्रिंग में, जैसे कि हमने पढ़ा था आरके बैक्टीरिया के केस में, क्लियर। अब इन्हीं में एक इम्पॉर्टेंट चीज आपसे ये पूछी जाती है, व्हेन यू टॉक अबाउट द साइनोबैक्टीरिया, तो यहाँ पर बेटा एक फिनोमिना आता है जिसको नाम दिया जाता है रेड सी। इसके ऊपर भी एमसीक्यूज पूछा जाता है, कोई भी बुक अगर करोगे ना एमसीक्यूज की, ये वाला फिनोमिना आपसे जरूर पूछा जाएगा अंडर द बैक्टीरिया, क्लियर। मैरीन का मतलब होता है बेटा सी या ओशियन, सी या ओशन मतलब मैरीन, और उसको छोड़ के जो रिवर है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, उनको फ्रेश वाटर सोर्सेस बोला जाता है। तो जो रेड सी का फिनोमिना है बेटा, इसका नाम देखो रेड सी क्यों पड़ा है, रेड सी नाम से क्लियर है, व्हेन द सी और द सी वाटर लुक्स ब्राइट रेड इन कलर, दैट फिनोमिना इज सिंपली नोन एज द रेड सी, क्लियर। तो ये रेड सी का फिनोमिना जो है ये किसकी वजह से दिखता है? It is due to the BGA. किसकी वजह से है? BGA की वजह से। And अगर particular member का नाम आपने बताना है जो कि पूछा जा सकता है, तो member का नाम जरा याद कर लो, that is Trichodesmium erythraeum. ठीक है, Trichodesmium erythraeum. तो that is the name of the blue green algae, जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है red sea. रेड सी का मतलब सी वॉटर अपीयर रेड इन कलर ड्यू टू द अबंडेंट ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, क्लियर बेटा। पॉइंट्स मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ग्राम नेगेटिव है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिन्होंने ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कैरीड आउट किया था आज से 3 बिलियन साल पहले अप्रोक्सीमेटली। दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म हु प्रोड्यूस्ड द ऑक्सीजन गैस बिकॉज दे यूज द वॉटर, and due to the water there is evolution of oxygen gas. mostly member कहाँ मिलते हैं? fresh water में, कुछ आपको मिलते हैं marine में, that is sea and ocean, और कुछ member हमें मिलते हैं hot sulfur spring में. sea में commonly हमें एक phenomena देखने को मिलता है, that is the red sea, and this is due to the abundant growth of a blue green algae which is known as Trichodesmium erythraeum. क्लियर, जिसकी वजह से सी वाटर कैसा अपीयर होता है? रेड इन कलर। तो फिनोमिना को क्या बोला जाता है? रेड सी। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपसे पूछा गया, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा पूछा जाएगा मोर्टेलिटी के बारे में। ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया का मेंबर है, वेरी क्लियर। ब्लू ग्रीन एल्गी यू बैक्टीरिया में आता है, अगेन क्लियर। नॉर्मली आप क्या पढ़ते हो कि बैक्टीरिया लोकोमोशन शो करते हैं ना, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं ब्लू ग्रीन एल्गी की, तो सबसे पहला क्वेश्चन, ब्लू ग्रीन एल्गी में लोकोमोशन बाय फ्लैजेला होगा या नहीं होगा? क्योंकि नॉर्मल बैक्टीरिया तो फ्लैजेला से ही लोकोमोट करते हैं, क्लियर। तो इम्पोर्टेंट थिंग जो आपने याद करनी है वो ये कि इनके केस में फ्लैजेला क्या होते हैं? कंप्लीट एब्सेंट। क्या होते हैं फ्लैजेला आपके पास? एब्सेंट, क्लियर। अब फ्लैजेला जो है बेटा वो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है, जो सॉरी इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि लोकोमोट के लिए यूज हो रहा है, बट दैट फ्लैजेला इज नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। तो अब आप ये क्वेश्चन सोचोगे कि शायद ब्लू ग्रीन एल्गी फिर लोकोमोट ही नहीं करते, क्लियर, बट स्टिल दे हैव द लोकोमोशन, एंड दैट लोकोमोशन इज नोन एज ग्लाइडिंग लोकोमोशन। ग्लाइड का मतलब पता है ना क्या होता है? स्लिपरी एरिया पे ऐसे फिसलना, ग्लाइड करना, ठीक है, तो एक लंबे गैप में। तो बेसिकली क्या है कि फ्लैजेला तो देखो इनके पास नहीं है, तो फ्लैजेलर लोकोमोशन तो नहीं होगा, बट स्टिल कुछ मेंबर लोकोमोट करते हैं, दैट लोकोमोशन इज कॉल्ड ग्लाइडिंग लोकोमोशन। ग्लाइडिंग लोकोमोशन में बेसिकली होता है सीक्रेशन ऑफ म्यूसिलेज। म्यूसिलेज इज अ काइंड ऑफ यू कैन से स्लिमी सब्सटेंस, एक फिसलता हुआ जैसा ना, बड़ा लूज सा इलास्टिक सा सब्सटेंस है, इसका ये सिक्रेशन करते हैं और इसकी वजह से दे ग्लाइड ओवर द सर्फेस। सो दे एक्चुअली शो द ग्लाइडिंग लोकोमोशन, बट देयर इज नो फ्लैजेलर लोकोमोशन इन केस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। ओके
ऑयली बोल सकते हो बेटा, स्लिमी बोल सकते हो, फिसलने वाला बेसिकली, ठीक है, हाँ ऑयल बोल सकते हो, जैसे ऑयल वगैरह गिरा दो आप ऊपर चलो तो आप स्टेप प्रॉपर रख ही नहीं पाओगे, ऐसे फिसल जाओगे। तो ये सेम चीज यूज करते हैं, म्यूसिलेज सेक्रेट करते हैं, फिर ग्लाइडिंग लोकोमोशन करते हैं। इतना क्लियर हो गया बेटा सब बच्चों को? तो फिर स्क्रीनशॉट ले लो जरा जल्दी से। आई थिंक ये पॉइंट्स जितने मैंने आप लोगों को बताए अभी सब बच्चों को क्लियर हो गए होंगे। फिर भी बेटा अगर कुछ रहता है तो अपनी कॉपी में, सॉरी, उसमें अंडरलाइन कर लेना और चैट बॉक्स में डाल देना अगर फिर भी कोई डाउट आता है। अच्छा, ये वाले जो फीचर थे बेटा, ये तो देखो इनके जनरल फीचर थे। अभी जनरल फीचर में क्या है कि ये तो हमने पढ़ लिया कि लोकोमोट कैसे करते हैं, नाम क्या है, फीचर्स क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट आप लोगों के पास है, दैट इम्पोर्टेंट पार्ट इज नोन एज द सेल स्ट्रक्चर इन केस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। सेल स्ट्रक्चर पे थोड़ा स्ट्रेस देना है क्योंकि नॉर्मल बैक्टीरिया के कंपैरिजन में इनका सेल स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेटा डिफरेंट होता है। क्लियर? तो जहां थोड़ा सा डिफरेंस आएगा ना, वहां पर एग्जामिनर पकड़ के क्वेश्चन जरूर बनाएगा, ऑलवेज रिमेम्बर। तो ब्लू ग्रीन एल्गी के केस में अगर मैं बात करूं, तो सपोज बेटा सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आ जाता है अ गिवन सेल। सपोज ये आप लोगों के पास है ब्लू ग्रीन एल्गी का सेल। तो अगर इस सेल की मैं यहाँ पर बात करूं तो व्हाट आर द टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज जो आपको नजर आएंगे? एक तो देखो सेंटर में हमारे पास ऑब्वियसली प्रेजेंट है डीएनए विच इज नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसको हमने इन जनरल नाम दे दिया यहाँ पर न्यूक्लियोइड का, दैट इज डीएनए नॉट कवर्ड बाय एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद ये जितना भी मटेरियल आप लोगों के पास है, दिस होल पोर्शन, दिस इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। ये आपके पास आ गया साइटोप्लाज्म। क्लियर? अंदर की तरफ सपोज ये जो ब्लैक कलर से मैंने अभी ड्रॉ करी है, इसको हम यहाँ पर नाम दे देते हैं सेल मेम्ब्रेन का। क्या बोला जाता है इसको? सेल मेम्ब्रेन। तो ये हो गया बेटा हमारे पास मेम्ब्रेन, which is commonly known as the cell membrane or you can say plasma membrane। तो उसके बाहर जो ये रेड कलर की आपको नजर आ रही है, अभी अगर मैं एक और इसके बाहर ऐसे ड्रॉ कर दूं, suppose this is we have another layer, clear, और we have again one more layer। तो ये जो रेड कलर से मैंने टोटल अप्रोक्सीमेट तीन लेयर्स ड्रॉ कर दी है यहाँ पर बेटा, ठीक है। तो इन तीनों लेयर को अगर देखा जाए तो इनको क्या बोला जाता है यहाँ पर? दीज आर नोन एज द सेल वॉल। तीनों लेयर को मिला के क्या बोला जाता है? सेल वॉल। अब आपने क्या पढ़ा था कि नॉर्मली बैक्टीरिया में कैसी सेल वॉल होती है? ग्राम पॉजिटिव में सिंगल, नेगेटिव में डबल, बीजीए में तो दो से ज्यादा है, मे बी 3 to 4 लेयर्स, 3 से 4 लेयर्स की मिलती है आपको। क्लियर? समझे? अब आ जाओ जरा नेक्स्ट पॉइंट पे, बाहर की तरफ। दिस इज द अगेन अनदर कवरिंग जो सबसे बाहर की तरफ है। दिस कवरिंग इज नोन एज व्हाट? म्यूसिलेज शीथ। शीथ का मतलब होता है कवरिंग। म्यूसिलेज क्या था? स्लिमी सब्सटेंस, बताया था ना मैंने आपको, वो इसकी बॉडी के अराउंड पड़ा ही पड़ा होता है। तो ये तीन लेयर्स हो गई। अंदर बेटा आप लोगों के पास आ गए सपोज राइबोसोम। तो विच कैटेगरी ऑफ द राइबोसोम्स आर देयर? अगेन 70S, बैक्टीरिया में तो 70S ही होंगे ना। फिर बाहर की तरफ अगर आप देखो, सो दीस काइंड ऑफ द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर। आई थिंक ये डायग्राम में बहुत क्लियर नजर आ रही होंगी डिस्क आपको। मैं एक डिस्क आपको समझा देती हूँ। पहली बात तो बेटा इनको नाम दिया जाता है क्रोमैटोफोर। जैसे प्लांट सेल के अंदर थाइलाकोइड होती है ना, थाइलाकोइड्स क्लोरोप्लास्ट में, वैसे ये डिस्क है लेकिन इनको क्या बोलते हैं? क्रोमैटोफोर। अभी अगर आप एक क्रोमैटोफोर को यहाँ पर देखो, दिस वन क्रोमैटोफोर कंटेन दिस काइंड ऑफ द डॉट्स। ये डॉट्स आपको नजर आ रही है मोटी मोटी, तो इन डॉट्स को बेसिकली यहाँ पर बोला जाता है फाइकोबिलिसोम। क्या बोला जाता है इनको? फाइकोबिलिसोम।
फाइकोबिलीजोम में क्या प्रेजेंट होंगे? पिगमेंट. सोम का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स. सोम का मतलब होता है जो बहुत सारी चीजों को मिला के बना है. फाइको वर्ड कहां से आ रहा है? फाइको वर्ड इज कमिंग फ्रॉम द पिगमेंट. तो बहुत सारे पिगमेंट जब आपस में मिलेंगे, देयर विल बी अ कॉम्प्लेक्स. दैट कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड फाइकोबिलीजोम. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पिगमेंट आता है क्लोरोफिल ए. किस कलर का पिगमेंट होगा? ग्रीन कलर का. क्लियर है? फिर उसके बाद आता है फाइकोसाइनिन. फाइकोसाइनिन किस कलर का होगा? ब्लू कलर का. फिर आता है फाइको एरिथ्रिन. कौन सा पिगमेंट आएगा आपके पास? फाइको एरिथ्रिन. एरिथ्रिन वर्ड कहां से आता है? देखो, फाइको तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि फाइको तो बेटा पिगमेंट्स है. साइनिन इज कमिंग फ्रॉम ब्लू, सो इट इज ब्लू कलर. एरिथ्रिन, एरिथ्रिन इज कमिंग फ्रॉम एरिथ्रोसाइट. एरिथ्रोसाइट किस कलर के होते हैं? रेड कलर के. कभी तो उनको आरबीसी बोलते हो ना आप लोग, तो इस पिगमेंट का कलर कैसा होगा? ऑब्वियसली रेड कलर का. क्लोरोफिल ए, ये तो आपको पता है हायर प्लांट्स में भी है. कभी तो प्लांट किस कलर के नजर आते हैं? ग्रीन कलर के. ठीक है, और लास्ट हमारे पास है एलो फाइकोसाइनिन. फिर से साइनिन, तो किस कलर का होगा? अगेन ब्लू कलर. तो कितने पिगमेंट्स हो गए बेटा? टोटल चार हो गए. नंबर वन क्लोरोफिल, नंबर टू फाइकोसाइनिन, नंबर थ्री फाइको एरिथ्रिन, एंड नंबर फोर एलो फाइकोसाइनिन. चारों पिगमेंट मिलके बनाते हैं एक कॉम्प्लेक्स. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स? फाइकोबिलीजोम. इसके ऊपर प्रेजेंट है क्रोमेटोफोर. तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये सपोज मैंने बना दिया कुछ इस तरीके से. नाउ इट विल बी क्लियर कि मैंने डॉट्स इसके ऊपर क्यों बनाए. पॉइंट इज क्लियर. अब उसके बाद एक लास्ट चीज जो इसमें आप देखोगे, वो आपके पास आते हैं सपोज कुछ इस तरह की राउंडेड बॉडीज. क्लियर? ये जो राउंडेड बॉडीज है बेटा, इन राउंडेड बॉडीज को यहाँ पर बोला जाता है साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल. क्या बोला जाता है उनको? साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल. देखो साइनो वर्ड कहाँ से आता है? साइनो, साइनो बैक्टीरिया मतलब ग्लोबुलिन एल्गी. यानी कि अगर आप भूल गए कि ये ग्रेन्यूल आपको कहाँ मिलते हैं, तो नहीं भूल पाओगे बेटा, क्योंकि साइनो लिखा हुआ है. तो साइनो का मतलब क्या होता है? ग्लोबुलिन एल्गी. कुछ भी याद नहीं रहा तो कम से कम इतना तो याद रहेगा ना कि ये ग्रेन्यूल आपको किसमें मिलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी में. पॉइंट इज क्लियर. अगर ये ग्रेन्यूल है तो इनके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा. इज इट क्लियर? फिर मैंने लिखा यहाँ पर फाइसियन. क्या लिखा मैंने? फाइसियन. फाइसियन वर्ड इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम वेयर? स्टार्च. अब पता लगा इन ग्रेन्यूल में क्या स्टोर होगा बेटा? स्टार्च स्टोर होगा. स्टोर पूर मटेरियल तो जरूरी है ना किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, अदरवाइज तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा. तो ब्लू ग्रीन एल्गी में अबंडेंट क्या प्रेजेंट होते हैं? साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल. और उन ग्रेन्यूल में क्या स्टोर होता है बेटा? स्टार्च. क्लियर? और पिगमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? क्रोमेटोफोर्स में. क्रोमेटोफोर्स के ऊपर पिगमेंट कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में. उस कॉम्प्लेक्स को क्या बोला जाता है? फाइकोबिलीजोम. कितने पिगमेंट्स होते हैं बेटा टोटल? चार. पहला क्लोरोफिल ए ग्रीन कलर, फाइकोसाइनिन ब्लू कलर, फाइकोएरिथ्रिन रेड कलर, एंड एलो फाइकोसाइनिन अगेन ब्लू कलर. इतना क्लियर हो गया बेटा सबको? जो मैं चीजें तोड़ तोड़ के मतलब बताती हूँ ना, फटाफट से कॉपी में नोट कर लिया करो, तो रिवीजन के टाइम पे आपको ज्यादा बेटर याद रहेगा. साइनो फाइसियन. साइनो इज कमिंग फ्रॉम ब्लू ग्रीन एल्गी. फाइसियन का मतलब स्टार्च. फाइको का मतलब होता है फाइको, फाइको पिगमेंट्स. सोम, सोम का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, पिगमेंट का कॉम्प्लेक्स. कितने हैं टोटल? फोर. साइनिन, साइनिन इज ब्लू. ठीक है, साइनिन इज ब्लू. एरिथ्रिन, एरिथ्रिन इज फ्रॉम एरिथ्रोसाइट. किस कलर के होते हैं? रेड. So it is red. Again cyanin, blue. Chlorophyll A, automatically you know green color, the most important pigment of the plants, which is also present in case of blue green algae. Screenshot ले लो बेटा फटाफट से.
अच्छा, अब आपको एक चीज पता लगी कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो पानी कैसे यूज कर पाते हैं और कैसे ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पाते हैं? हाउ इट इज पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस, व्हाट इज दिस? क्लोरोफिल ए. क्या किसी बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल पिगमेंट था? नहीं था. क्या था? बैक्टीरियो क्लोरोफिल, वो तो एक अलग पिगमेंट है. दिस इज प्रॉपर क्लोरोफिल ए. और इसकी वजह से दे यूज्ड वाटर एंड दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन. सो दे वर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म हु प्रोड्यूस द ऑक्सीजन गैस इन द अर्थ एटमॉस्फियर. हाँ जी बेटा, इतना क्लियर हो गया सब बच्चों को? मयंक बेटा, आपने क्वेश्चन पूछा हाउ दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन इफ दे आर एरोबिक. बेसिकली बेटा देखो, ये कैटेगरी बिलोंग करती है फैकल्टेटिव एंड एरोब टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. याद है, रेस्पिरेशन के बेस पे फैकल्टेटिव एंड एरोब वो बैक्टीरिया है जो नॉर्मली एरोबिक है, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं भी होता है इवन दे कैन सर्वाइव. सो दे आर कॉल्ड फैकल्टेटिव एंड एरोब. दे आर नॉट ऑब्लिगेट, सो दे कैन सर्वाइव. ठीक है, मैरीन मैं आपको बता चुकी हूँ बेटा, सी ओशियन एंड ऑयली सब्सटेंस. ऑयली मतलब वही मैंने बता दिया था आपको. ठीक है, अच्छा तो ये हो गया आप लोगों का ब्लू ग्रीन एल्गी का बेसिक स्ट्रक्चर. आई थिंक मैंने बहुत तोड़ तोड़ की चीजें आपको समझा दी हैं, घुस जानी चाहिए दिमाग में. रट्टा जहां जहां मारना है मार लेना, लेकिन जहां समझा सकती हूँ मैं समझा दूंगी आपको बेटा. थोड़ा बहुत तो देखो याद करना पड़ेगा आपको, नाम देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी. ठीक है, इसी को तो मेडिकल बोलते हैं. अच्छा चलो, अब ये काम करना, 2 मिनट के बाद फिर से रिकनेक्ट हो जाना, 2 या 5 मिनट के बाद अगेन कनेक्ट फॉर द क्लास. क्लियर, ये कंप्लीट कर लेंगे आज.